सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आप एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म में काम करने का। देखिए, राजश्री और सलमान खान दोनों ही मतलब अपने क्षेत्र में टॉप हैं, और राजश्री प्रोडक्शन में मैं पहली बार गया था मिलने 87 में, और मेरी इच्छा तब से थी कि मैं राजश्री के साथ काम करूं। तो ये फिल्म राजश्री की है, और सलमान भाई बहुत ही ग्रेट एक्टर हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूं, और उनके साथ मैंने काम नहीं किया इतने सालों, ये पहला मौका है कि मैं सलमान भाई के साथ मुझे रोल मिला, और मैंने बहुत इन्जॉय किया, मैं व्यक्त नहीं कर सकता। वैसे तो लोगों के सपनों में होता है कि सलमान अमिताभ जैसे लेजेंड के साथ काम करें, और आपने सलमान के साथ काम किया, आपकी अच्छी भूमिका तारीफ हो रही है चीज़ों की, तो क्या मानते हैं आपकी आपके सपने पूरे हो गए या फिर अभी भी कुछ बाकी? देखिए, एक्टिंग ऐसा प्रोफेशन है कि महेश भट्ट जी ने कहा था कि इसमें मंजिल नहीं है, सिर्फ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, एक के बाद एक दूसरी सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए एक्टिंग को जब मैंने प्रोफेशन के तौर पे लिया तो मुझे लग गया था कि पूरी शायद ज़िंदगी देनी पड़ेगी, और मुझे 26-27 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ, और अभी भी सीख रहा हूँ, और अभी भी एक नई फिल्म में बहुत कुछ नई चीज़ें होती हैं जो हम सीखते हैं, एज अ पर्सन भी बहुत ग्रो किया काम करते करते इतने साल, तो खुश हूँ मैं। वैसे तो आपने भी काफ़ी सारे फिल्में की हुई हैं इससे पहले, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि प्रेम रतन धन पायो में इतने दिग्गज कलाकार हैं जैसे संजय मिश्रा हैं, नील नितिन मुकेश हैं, सोनम है, सलमान खुद हैं, तो उनके साथ काम करने में फर्स्ट डे या फिर और किसी दिन नर्वसनेस हुई या फिर लाइक और मज़ा आया, एक्सपीरियंस बढ़ा? असल में जब पहले दिन मेरी शूटिंग थी तो सलमान भाई के साथ ही मेरा पहला सीन था, और उसमें किसी के बारे में मैं उनको बताता हूँ, और मेरा एक पेज का सीन है जहाँ मैं उसके बारे में बता रहा हूँ उनको, और वो सामने बैठे सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा घबराहट थी, और पहले दिन कोई भी फिल्म हो तो हल्की सी घबराहट तो होती है। मैं यही सोच रहा था कि सलमान भाई के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक रहे, कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ फंबल ना करूँ, कुछ भूलूँ नहीं, लकीली सब कुछ अच्छा रहा। संजय मिश्रा हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हमारी उनकी दोस्ती कम से कम 30 साल पुरानी है, उनकी फिल्म में हमने अभी उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की प्रणाम वाले को, मुझमें मैंने एक रोल किया है, और एज एन एक्टर भी हमने एक फिल्म साथ में की है, तो उनके साथ तो भी मज़ा रहा। बाकी अरमान कोहली के साथ मैंने LOC किया था, और अभी फिर ये दोबारा ये फिल्म की, स्वरा भास्कर को भी जानता हूँ, हम लोग ने एक फिल्म साथ में की, मछली जल की रानी है, तो नील नितिन मुकेश बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने ये क्या नाम है, अरे तन्नु वेड्स बनू में जो थे, नहीं एनीवे, तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ काम करके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काम करते थे मस्ती करते थे, काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ चुटकुला, कुछ मजाक, कुछ चुहल, ये सब चलता तो रहता है। इस फिल्म को करने के बाद बॉलीवुड से क्या तारीफें मिल रही हैं, लोग फोन कर रहे हैं? अब वो फिल्म रिलीज होने के बाद पता चलेगा कि कैसे रिएक्ट कर रहे हैं लोग हमारे रोल के प्रति। वैसे सलमान के फिल्मों में सर हमेशा सिर्फ सलमान पे फोकस किया जाता है, बाकी के कैरेक्टर ऐसा कहना है लोगों का, ये गलत है, तो इसके बारे में ये गलत है, ऐसा नहीं है। सलमान के साथ बिताई हुई कुछ ऐसी यादें जो एक साल और तीन महीने के दरमियान, कुछ ऐसी यादें जो जिंदगी भर याद रहने वाली हैं, आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स? देखिए, हमने बहुत मस्ती की, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग जिम साथ जाया करते थे,
क्रिकेट साथ में खेला करते थे, बहुत चीज़ें, बहुत मज़ा आया उनके साथ, यही कह सकता हूँ। सलमान की ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको सबसे पसंद आती, सबसे ज़्यादा पसंद आती है? सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और बहुत सारे इंसिडेंट हैं, उनमें से एक इंसिडेंट तो ये था कि एक चौकीदार, उसका बेटा थोड़ा हैंडीकैप था, हम लोग बैठे हुए थे शूटिंग के बीच में, और वो चौकीदार अपने बेटे को लेके आया और बोला कि सर इसके पास, इसको स्कूटर चाहिए, वो हैंडीकैप वाला स्कूटर। तो सलमान भाई ने इमीडिएट फ़ोन उठाया और उसका नाम भेज दिया और इमीडिएट उसको स्कूटर दिलवा दिया। तो बहुत ही नेक इंसान है, हमेशा लोगों की हेल्प करते रहते हैं, और एक्टर तो अच्छे हैं ही। तो इस फिल्म को करने के बाद और भी बॉलीवुड से कहीं से ऑफर्स मिले या शो में? नहीं, अभी ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑफर्स तो आते रहते हैं। फिल्में मैंने और भी की हैं, 27-28 फिल्में की हैं, तो अभी तो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई तो मैं कुछ कह नहीं सकता, रिलीज़ हो जाएगी तो पता चलेगा। दीपावली आ रहा है हमारे, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस दीपावली को पोल्यूशन फ्री रखिएगा और थोड़ा सतर्क रहिएगा पटाखे से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।